Dear students, today we will read the chapter The Midnight Visitors by Robert Arthur from class 10th. आज हम summary पढ़ेंगे The Midnight Visitor की. Midnight Visitor जो कि 10th class के supplementary reader का third chapter है, आज हम उसकी summary पढ़ेंगे जो कि Robert Arthur द्वारा लिखी गई है. कहानी में कौन कौन है, फर्स्ट हम ये देखते हैं. ऑसिबल इज अ सीक्रेट एजेंट, ही इज एक्सपेक्टिंग टू गेट एन इम्पॉर्टेंट पेपर. मैक्स एन इंट्रूडर एंटर्स हिज रूम. ऑसिबल है स्टोरी में मेन जो कैरेक्टर है, वो एक सीक्रेट एजेंट है और उसको एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पेपर मिलने की उम्मीद है. एक मैक्स है जो कि एक इंट्रूडर है. इंट्रूडर मीन्स जो ज़बरदस्ती घुसा हुआ है ऑसिबल के रूम में. और वो क्या चाहता है मैक्स, ही वॉन्ट्स टू गेट दैट पेपर फ्रॉम ऑसिबल. और वो ऑसिबल से उस पेपर को छीनना चाहता है जिसके लिए ऑसिबल वेट कर रहा है. और मैक्स उस पेपर को ऑसिबल से छीनना चाहता है और इसके लिए ही हैज़ अ पिस्टल इन हिज हैंड, और उसके पास एक गन है. ऑसिबल बीइंग क्वाइट नॉर्मल, ऑसिबल जो बिल्कुल नॉर्मल है, साधारण आराम से बिल्कुल बैठा है, बड़ी ही चालाकी से प्लेड अपॉन अ ट्रिक ऑन मैक्स. बड़ी चालाकी से मैक्स के ऊपर एक चाल चलता है एंड गेट्स हिम किल्ड, और उसको मरवा देता है विदाउट एनी फाइटिंग एंड शूटिंग. बगैर उसके साथ कोई लड़ाई झगड़ा किए, बगैर गोली चलाए, वो उसको किस प्रकार से मरने के लिए मजबूर कर देता है. दिस मिड नाइट विजिटर इज़ अ डिटेक्टिव स्टोरी एंड इट्स राइटर इज़ रॉबर्ट आर्थर. मिड नाइट विजिटर एक जासूसी कहानी है और इसके रॉबर्ट आर्थर इसके लेखक हैं, यानी कि रॉबर्ट आर्थर द्वारा लिखी गई कहानी है. ऑसिबल इज़ अ डिटेक्टिव, ऑसिबल एक जासूस है. ही इज़ वन सच सीक्रेट एजेंट हु एक्सपेक्ट्स टू गेट सम सेंसिटिव पेपर्स इन हिज होटल रूम. और ऑसिबल एक सीक्रेट एजेंट है, सीक्रेट डिटेक्टिव है लेकिन सीक्रेटली काम करता है, किसी को पता नहीं होता. सीक्रेट एजेंट वो होता है जो किसी के लिए बहुत ही सीक्रेटली काम करता है. तो ऑसिबल इसी उसमें उसको कोई इम्पॉर्टेंट पेपर है, बहुत ही महत्वपूर्ण कागजात हैं जो उसको मिलने हैं, तो वो होटल रूम में वेट कर रहा है किसी का. होटल उसको मिलना है वो पेपर होटल रूम में. बट वन ऑफ हिज राइवल मैक्स अटैक्ड हिम एट द गन पॉइंट एंड ही डिमांड्स द पेपर. लेकिन उसका एक दुश्मन है, उसका एक राइवल है मैक्स, जो पॉसिबल से उस पेपर को छीनना चाहता है. उसे के पास एक गन है और गन पॉइंट पर वो पॉसिबल से वो पेपर हासिल करना चाहता है. बट पॉसिबल शोड अ रिमार्केबल कॉमन सेंस, क्योंकि सीक्रेट एजेंट है, डिटेक्टिव है और डिटेक्टिव बहुत ही चालाक होते हैं, बहुत ही चतुराई से वो लोग काम करते हैं और प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत ही अच्छी होती है उनकी, यानी कि वो तुरंत बहुत अच्छा डिसीज़न लेते हैं और अपनी चाल चलते हैं. तो ऑसिबल जो है वो बहुत ही अच्छी अपनी कॉमन सेंस दिखाता है, यूज़ करता है और सिचुएशन से बाहर निकलता है. किस मैक्स को किस तरीके से वो मात देता है. एक उसका फ्रेंड है ऑसिबल का, फॉलर. फॉलर हिज फ्रेंड वॉज सरप्राइज टू सी अ सीक्रेट एजेंट ऑसिबल. और फॉलर जो है वो ऑसिबल को देखकर बड़ा हैरान होता है कि ऑसिबल एक सीक्रेट एजेंट बन गया है. अपने दोस्त को देखकर बड़ा हैरान होता है क्योंकि जनरली सीक्रेट एजेंट और डिटेक्टिव की जब हम सोचते हैं, उनके बारे में सोचते हैं, तो हमारे दिमाग में यही इमेज आती है. टीवी में भी हम यही देखते हैं, सीरियल्स में, मूवीज़ में, कि बड़े ही अच्छे, लंबे, तगड़े, हट्टे कट्टे, स्मार्ट और सूटेड बूटेड, इस तरीके से हमें वो देखने को मिलते हैं. लेकिन ऑसिबल इस तरीके से उसकी फिज़िकल अपीयरेंस नहीं थी ही, और इसीलिए फॉलर को बड़ी हैरानी होती है क्योंकि ऑसिबल वॉज टू फैट टू बी अ सीक्रेट एजेंट. क्योंकि ऑसिबल जो बहुत मोटा था और सीक्रेट एजेंट की तरह नहीं था बिल्कुल, उसका शरीर एकदम से, उसकी फिज़िकल अपीयरेंस ऐसी नहीं थी सीक्रेट एजेंट जैसी, इसलिए उसको बड़ी हैरानी होती है. उसके बाद देन बोस का मतलब फॉलर और ऑसिबल वेंट टू हिज रूम. दोनों ऑसिबल होटल रूम में रुका हुआ है तो फॉलर और ऑसिबल दोनों अपने कमरे पे जाते हैं. बट व्हेन दे एंटर द रूम
Another guy, Max, with a gun was standing in the room. जैसे ही फॉलर ऑसेबल अपने रूम में पहुंचता है ऑसेबल फॉलर के साथ, तो मैक्स जो था वो पहले से ही वहां पर मौजूद है और उसके पास एक गन है. एंड ही आस्क देम टू बी कंफर्टेबल अंटिल द रिपोर्ट्स रिलेटेड टू मिसाइल्स अराइव्ड. और दोनों को गन दिखाता है और कहता है कि तुम दोनों आराम से बैठो जब तक, कब तक, जब तक कि रिपोर्ट्स रिलेटेड टू मिसाइल, और वो जो रिपोर्ट थी जो इम्पोर्टेंट पेपर्स थे वो मिसाइल्स रिलेटेड थे, और कहता है कि जब तक वो रिपोर्ट्स या पेपर्स नहीं आ जाते तब तक तुम चुपचाप बैठे रहो. और उनको वो गन दिखा देता है और डरा देता है. दिस वॉज रियली एन एडवेंचरस एक्सपीरियंस फॉर द फॉलर, फॉर फॉलर वाइल मीटिंग विद अ सीक्रेट एजेंट. और ये फॉलर के लिए वास्तव में ही एक एडवेंचरस स्टोरी है, बहुत ही कौतूहल से भरी हुई कहानी है जब वो एक सीक्रेट एजेंट से मिलता है, तो उसको बड़ा अनुभव उसका बड़ा बढ़िया होता है ये. मीनवाइल ऑसेबल स्टार्टेड विद अ स्टोरी अबाउट अ हाइपोथेटिकल बालकनी बिलो द विंडो ऑफ हिज रूम. और उसी समय जब फॉलर और वो ऑसेबल रूम में होते हैं, मैक्स भी रूम में होता है, मैक्स उनको ब्लैकमेल करता है, उनको गन दिखाता है और उनको चुपचाप से बैठने के लिए बोलता है, तो ऑसेबल जो कि एक सीक्रेट एजेंट है बड़ा ही चालाकी से एक स्टोरी बुनता है. हाइपोथेटिकल मींस, हाइपोथेटिकल मींस होता है एक काल्पनिक कहानी बनाता है वहीं तुरंत एट द स्पॉट. और उसमें क्या है, हाइपोथेटिकल बालकनी कि एक कल्पना में ये बताता है कि एक बालकनी है बिलो द विंडो ऑफ हिज, क्योंकि उसके रूम की विंडो के जस्ट नीचे एक बालकनी है. एंड वाइल दिस टॉक वॉज गोइंग ऑन, और कहते हैं कि जब ये बात उनकी आपस में हो रही है, समवन वॉज कंटिन्यूसली नॉकिंग एट द डोर. और जब वो ये स्टोरी बता रहा होता है कि उसके रूम की विंडो है और इसके नीचे एक बालकनी है, तभी दरवाजे पर नोक होता है, खटखटाता है कोई दरवाजे पर बार बार. ऑसेबल सेड दैट द पुलिस वर एट द डोर. और फिर ऑसेबल बताता है कि शायद पुलिस आ गई है, मैंने यानी कि पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया था. एट द डोर टू चेक हिम एंड हिज रूम ऑन अ रेगुलर बेसिस, क्योंकि वो सीक्रेट एजेंट कहते हैं कि मैंने पहले ही पुलिस को बता दिया था कि मुझे और मेरे रूम की चेकिंग के लिए मुझे ज़रूरत है पुलिस की, तो मैंने उनको इन्फॉर्म कर दिया. तो दरवाजे पर कौन है, पुलिस है. मैक्स पॉइंटिंग हिज गन टूवर्ड्स बोथ ऑफ देम and said that he would be waiting in the balcony and during this time Ossible should send away the police otherwise he would shoot them. और जब Max को पता चलता है कि दरवाजे पर पुलिस है और अब उसके लिए बचने का कोई रास्ता नहीं है, तो वो क्या करता है, दोनों को गन दिखाता है फिर से और कहता है कि तब तक मैं बालकनी में खड़ा हूँ छुप कर, और तुम चुपचाप से पुलिस को फटाफट यहाँ से रफा दफा करो, यहाँ से भेजो, तब तक मैं तुम्हारा बालकनी में वेट करता हूँ, और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो वरना मैं तुम दोनों को शूट कर देता हूँ, शूट कर दूंगा. एज द डोर नॉब इज टर्न इन लाउड, क्योंकि वो दरवाज़ा अभी खुल नहीं रहा था तो बार बार डोर नॉब यानी कि जो दरवाजे की को खटखटा रहा था बार बार, वो तेज़ हो रही थी आवाज़ उसकी, मतलब कि और ज़्यादा खटखटा आ रहा था क्योंकि दरवाज़ा खुल नहीं रहा था. तो उसके भी क्या करता है, मैक्स जंप्स आउट ऑफ द विंडो, और मैक्स तुरंत बालकनी में जाने के लिए विंडो से बाहर कूद जाता है. एंड दे हर्ड अ लाउड लाउड स्क्रीम, और उनको फिर एक बहुत चिल्लाने की आवाज़, लाउड स्क्रीम का मतलब बहुत ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है. देन द डोर ओपन्स एंड अ वेटर कम्स इन, और फिर दरवाज़ा खुलता है और दरवाजे से एक वेटर अंदर आता है. द वेटर सेज दैट ही हैज़ ब्रॉट द वाइन दैट ऑसेबल हैड ऑर्डर्ड, और वेटर आता है और कहता है कि वो वाइन का ऑर्डर जो ऑसेबल ने उसे दिया था वो उसको लेकर आया है. ही कीप्स द बॉटल, बॉटल रख देता है, बॉटल ट्रे एंड ग्लासेस देयर ऑन द टेबल एंड लीव्स, वो वाइन की बॉटल ग्लास सारी जो चीज़ें लेकर आता है ट्रे में रख के उनको टेबल पे रख देता है और वहाँ से चला जाता है. फॉलर इज सरप्राइज आफ्टर सीइंग ऑल दैट, और फॉलर इस सबको देख कर बड़ा ही हैरान होता है. फॉलर आस्क्ड हिम अबाउट द पुलिस, फिर फॉलर ऑसेबल से पूछता है कि तुम तो कह रहे थे कि पुलिस है, तो क्या हुआ पुलिस का. देन ऑसेबल रिप्लाइड दैट देर वॉज नो पुलिस, और फिर ऑसेबल कहता है कि कोई पुलिस पुलिस नहीं है. फॉलर अगेन आस्क्ड अबाउट मैक्स, और फिर फॉलर उसे मैक्स के बारे में पूछता है कि मैक्स का क्या हुआ, हु वॉज स्टैंडिंग इन द हु वॉज वेटिंग इन द बैल्कनी आउटसाइड द विंडो. कहता है कि मैक्स कहाँ गया, जो कि वो तो कह रहा था कि मैं बैल्कनी में वेट कर रहा हूँ, वो कहाँ गया. देन ऑसेबल रिप्लाइड दैट द पर्सन वुड नॉट रिटर्न एज देर वॉज नो बालकनी एट ऑल,
और फिर ऑसिबल उसको बताता है फोलर को, क्योंकि वो आदमी वापस नहीं आएगा क्योंकि वहाँ विंडो के बाहर कोई बैल्कनी थी ही नहीं। दिस शोज द क्विक विट ऑफ ऑसिबल एज ही टुक एडवांटेज ऑफ द सिचुएशन एंड सक्सेसफुली मेड मैक्स नर्वस। और ये दिखाता है कि क्विक विट मतलब उसकी बुद्धिमत्ता की कितनी तीव्र गति से, या कितना दिमाग उसने लगाया ऑसिबल ने, तुरंत कितना अच्छा दिमाग उसने अपना चलाया और उसने उस सिचुएशन जो थी उसका फ़ायदा उठाया और बड़ी ही सफलता के साथ मैक्स, क्योंकि उसने देख लिया था कि मैक्स पुलिस के नाम पर बड़ा ही नर्वस हो गया था, तो तुरंत उसने ये स्टोरी बनाई कि बैल्कनी है और उसमें से कूद के, भाई पहले भी एक कोई आया था बंदा, घुस गया था उसके रूम में, तो उसने, तो मैक्स एकदम से नर्वस हो जाता है पुलिस के नाम से। अंडर हिज नर्वसनेस और उसकी इसी घबराहट से ही, अपनी इस घबराहट में ही जम्प्ड आउट ऑफ द विंडो विदाउट एनी थॉट। और मैक्स बिल्कुल कुछ नहीं सोचता और अपनी इस घबराहट में वो तुरंत उसे विंडो से कूद जाता है। एंड ही जम्प्ड फ्रॉम द टॉप फ्लोर ऑफ द होटल एंड हैंस डाइड। और वो क्योंकि टॉप फ्लोर पर था उसका रूम ऑसिबल का, और वो टॉप फ्लोर से नीचे कूद जाता है और उसकी मौत हो जाती है, मर जाता है वो। दस ऑसिबल आउटविटेड मैक्स। और इस तरीके से ऑसिबल किस तरीके से दिमाग के खेल से मैक्स को पछाड़ देता है एंड सेव्ड हिमसेल्फ फ्रॉम अ वेरी डेंजरस सिचुएशन, और अपने आप को बहुत ही खतरनाक परिस्थिति से बचाता है। कंक्लूजन ऑफ द मिडनाइट विज। और इस कहानी का कंक्लूजन क्या है, निष्कर्ष क्या है? द अल्टीमेट मैसेज दैट वन कैन गेट फ्रॉम दिस स्टोरी इज दैट इन एनी सिचुएशन वी शुड नॉट पैनिक, इंस्टेड वी शुड टेक अ स्टेप एंड फेस द सिचुएशन विद आवर प्रेजेंस ऑफ माइंड। निष्कर्ष कहानी का यही है कि हमें मौके के ऊपर, अगर हमारे साथ कोई इस तरीके की सिचुएशन होती है, परिस्थिति हमारे सामने आती है, कोई मुश्किल आती है, तो हमें हड़बड़ाना नहीं चाहिए, बहुत ही दिमाग से, यानी कि अपनी जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है उससे हमें काम करना चाहिए और पैनिक नहीं करना चाहिए। पैनिक का मतलब घबराना नहीं चाहिए, हड़बड़ाना नहीं चाहिए, और समय और परिस्थिति को देखकर, सामने वाले को देखकर, सिचुएशन को पूरा समझकर अपने दिमाग से हमें काम लेना चाहिए। जैसा कि कहानी में ऑसिबल ने लिया, कोई बैल्कनी नहीं थी, उसने देख लिया था कि भाई मैक्स है, गन भी है उसके पास, वो मार भी सकता है, शूट भी कर सकता था, पेपर भी उससे लेकर छीन कर जा सकता था, लेकिन ऑसिबल ने बहुत ही दिमाग से, बुद्धिमत्ता से काम लिया, उसने स्टोरी बनाई। और जब भी स्टोरी बना रहा था, वेटर आ जाता है तो, और मैक्स तुरंत ही कहता है कि पुलिस है, मैंने पुलिस को बुला रखा है कि भाई मुझे ऐसे ऐसे पेपर मिलने हैं, तो अपनी सिक्योरिटी के लिए पुलिस बुला रखे। मैक्स जो है वो घबरा जाता है कि भाई पुलिस आ गई, तो वो सोचता है कि अब क्या करे, तो वो सोचता है कि क्यों ना बालकनी में चला जाए, जाया जाए, तो वो बालकनी में चला जाता है, और हालांकि कोई बालकनी नहीं होती। जैसे ही वो विंडो से कूदता है वो टॉप फ्लोर से नीचे गिर जाता है और मर जाता है। और स्टोरी में ऑसिबल ने एक बहुत ही बुद्धिमत्ता का परिचय दिया, प्रेजेंस ऑफ माइंड का परिचय दिया, और बिना किसी लड़ाई झगड़े के या गोली वो के मैक्स को मार गिराया। दैट्स ऑल अबाउट द स्टोरी ऑफ द मिडनाइट विजिटर।